अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स का पबजी टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके अंदर कैसी पबजी चलती है और क्या परफॉर्मेंस है, HDR एक्सट्रीम में इसके क्या रिजल्ट्स हैं, तो फ्रेंड्स इसकी बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आज सब कुछ आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं और स्पेशल पबजी के लिए आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वाइज दिखा देता हूँ। राइट साइड पर आपको पावर बटन मिल जाता है और बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है जो कि बहुत बड़े कैमराज हैं। इसके लेफ्ट साइड पर आपको वही वाइब्रेशन बटन सेपरेट और वॉल्यूम कीज मिल जाती है। नीचे वाले साइड पर आपको चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर्स मिल जाते हैं। और फ्रेंड, इस मोबाइल फ़ोन में आपको 3.5 mm जैक की सपोर्ट नहीं मिलती, जो कि बहुत बुरी बात है। आईफोन वालों को चाहिए कि यार 3.5 mm जैक की सपोर्ट तो दें कम से कम। और बैक साइड पर बहुत ही अच्छे कैमरे का रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही कमाल के कैमराज हैं और सेल्फी कैमरा है। सेल्फी कैमरे के साथ ही आपको फेस आईडी मिल जाती है। और फ्रेंड, मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है, इसका जो मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसकी बैटरी हेल्थ भी चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मेरे पास ये जो मॉडल है ये अमेरिकन मॉडल है, अमेरिका से बाय किया हुआ है और ये LLA मॉडल है और 256 GB वाला वेरिएंट है। और इसकी मैं बैटरी हेल्थ भी आपको चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो अभी 100 के ऊपर ही है, क्योंकि अभी रिलीज़ हुआ है, तकरीबन कुछ ही मंथ हुए हैं इसको आए हुए। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना अब इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशन आपको एक इमेज में चेक करवा देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पबजी को। जब तक पबजी ऑन होती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आने वाली हर वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, ये हो चुकी है हमारी पबजी ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ। तो जिस टाइम ये आईफोन रिलीज़ हुआ था, उस टाइम इसके अंदर 90 FPS नहीं थे, बट अब जो है ना 90 FPS आ गए हैं। और बैलेंस में आपको मिल जाता है एक्सट्रीम, और HD में भी आपको एक्सट्रीम मिल जाता है, और HDR में भी आपको एक्सट्रीम मिल जाता है। Ultra HD डाउनलोड नहीं है, अल्ट्रा तक प्रोवाइड करता है। और इसकी जो एंटी एनालाइजिंग है वो 4x तक नहीं जाती, बल्कि 2x तक जाती है। और UHD तो आपको पता ही है, हर डिवाइस में कमिंग सून पर रहता है। तो मैं स्मूथ 90 FPS पर लगा कर जो है ना आपको एक TDM मैच का गेम प्ले चेक करवाता हूँ और चेक करते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा TDM मैच स्टार्ट। अगर फ्रेंड्स स्मूथनेस के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा आपको इस डिवाइस के अंदर। और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है, किसी भी तरह का आपको किसी भी जो है ना किस्म का आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा इस डिवाइस के अंदर। उसके अगर जैरो के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स जैरो भी बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है और ना ही डिले है, ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैरो के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये मोबाइल फ़ोन अब तक का लेटेस्ट मॉडल है आईफोन का, और जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस मोबाइल फ़ोन की। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी गेमिंग के हिसाब से। और इसके बैटरी टाइमिंग की अगर बात करें, तो फ्रेंड्स अगर आप इस मोबाइल फ़ोन पर लगातार पबजी खेलते हैं, तो तकरीबन आप 5-1 घंटे का लगातार आप गेम प्ले कर सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर आप विद रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स तकरीबन 4-1 घंटे का आप इस मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम प्ले कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मोबाइल फ़ोन अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये मोबाइल फ़ोन, आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट मॉडल है आईफोन का, तो इस पर आप अभी तक के लिए यानी 1-2 साल जो है ना आप इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेम प्ले अच्छा कर सकते हैं और कॉन्करर वगैरह पुश कर सकते हैं। और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई है। और फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है तकरीबन ये $1200 के अंदर जो है ना मेरे फ्रेंड ने बाई किया अमेरिका से। तो अब तक जो इसकी PTA फ़ीस है अब वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है, तकरीबन पहले 2 लाख तक थी PTA फ़ीस, अब तकरीबन जो है ना अगर ID कार्ड के ऊपर आप करवाते हैं तो तकरीबन 34,000 का डिफरेंस है, अगर आप पासपोर्ट के ऊपर करवाते हैं तो तकरीबन जो है 30,000 का डिफरेंस आता है PTA फ़ीस का। और फ्रेंड, आप इसके कैमरे के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स कैमराज भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की आप पिक्चर्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने कंटेंट शूट कर सकते हैं और अपनी जो है ना व्लॉगिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा ये मोबाइल फ़ोन है। आप इस मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आउट क्लास जो है ना इसका पोर्ट्रेट है।
और फ्रेंड्स अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के हीटिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो फ्रेंड हीटिंग प्रॉब्लम इस मोबाइल फ़ोन में इतनी नहीं है। अगर आप रिकॉर्डिंग के साथ गेम प्ले करते हैं तो आपको हीटिंग प्रॉब्लम थोड़ी सी देखने को मिलेगी, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो आपको हल्का फुल्का तकरीबन ना होने के बराबर में मोबाइल फ़ोन हीट होगा। और फ्रेंड्स वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में हर मोबाइल फ़ोन हर आईपैड्स हर डिवाइस तकरीबन गेम प्ले में जो है ना गर्म हो जाती है, ये कोई सी नहीं है। अगर आप एसी रूम में बैठकर गेम प्ले करें देंगे तो आपको ये मोबाइल फ़ोन जो है ना इतना हीटअप वगैरह नहीं होगा, और हीटअप की वजह से आईफोन जो है ना ये लैग वगैरह नहीं करेगा आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स, क्योंकि जो से पुराने मॉडल थे वो तकरीबन हल्के फुल्के लैग कर जाते हैं, बट अभी के लिए जो है ना गेमिंग के लिए ये आईफोन आपको हीट में भी लैग करने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस मैच को जल्दी से कंप्लीट करता हूँ और हम HDR एक्सट्रीम में भी लगाकर इसका गेम प्ले चेक करते हैं कि इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है हमें। तो फ्रेंड्स मैं जो है ना मैच को एंड करके बाहर आ चुका था, अब मैं जो है ना HDR एक्सट्रीम के ऊपर लगाकर इसका गेम प्ले चेक करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं मैच को। तो फ्रेंड ये हो चुका है हमारा HDR एक्सट्रीम के अंदर TDM मैच स्टार्ट हो चुका है और मैं विद रिकॉर्डिंग खेल रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही मैं मैच में एंटर हुआ गेम प्ले करने के लिए आगे बढ़ा तो फ्रेंड मुझे हल्का सा लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला, बट जिस टाइम मैं गेम प्ले करता गया और खेलता गया तो ये लैग और फ्रेम ड्रॉप छोड़ ही गया था। तकरीबन 3-4 सेकंड के लिए ये हुआ था ऐसे, बट उसके बाद जो है ना ये छोड़ गया था। और फ्रेंड्स मुझे गेम प्ले करते हुए जो हेड कनेक्ट होते हैं और क्या ही जो है ना परफॉर्मेंस मिलती है आईफोन्स के अंदर गेम प्ले करते हुए। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अच्छी गेम प्ले का होना अच्छी डिवाइस के होने से मैटर करता है। अगर आपकी डिवाइस गेमिंग नहीं है तो आप कभी भी आप अच्छा गेम प्ले नहीं कर सकते। अगर आपकी डिवाइस बहुत अच्छी है गेमिंग में तो आपकी गेमिंग भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लैग और फ्रेम ड्रॉप जिस टाइम आप देखने को नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका गेम प्ले भी अच्छा होगा उसी हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपके कोई ओपिनियंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और प्राइवेट में अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं या आप मुझसे बात करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल वगैरह ना कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त, और पाकिस्तान जिंदाबाद।